माइंड ब्लोइंग यार, सिंपली माइंड ब्लोइंग। हेलो जिक्स, कैसे आप सब? आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि यार आप कोक स्टूडियो के किसी रिव्यू के साथ नहीं आ रहे, तो एपिसोड 6 के हम आज दो गानों को डिस्कस करेंगे और मैं मजबूर हुआ ये वीडियो बनाने पे। और जिन दो गानों को हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक काटे ना कटेरे और दूसरा घूमताना। एपिसोड 6 वॉज कम्प्लीटली इनकैप्सुलेटेड बाय द पावर वोकल्स ऑफ इनक्रेडिबली टैलेंटेड पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स। घूमताना ताना ना ना घूमताना ताना ना ना ना। बहुत ही जबरदस्त कंपोजिशन सलमान अहमद की, और सलमान अहमद ने ये ओरिजिनली इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था। मेरे ख्याल 2005 में ये गाना रिलीज हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में बड़ी दोस्ती की बातें चल रही थी। हम तो दुआ करते हैं कि यार अब भी वैसी दोस्ती हो जाए पाकिस्तान और इंडिया में। तो सलमान अहमद ने इस गाने के लिए चूज किया मोमिना मुस्तहसन और एक बहुत ही जबरदस्त गर्ल बैंड इरताश। वेरी फ्रेश वॉइसेस, यंग ब्लड विद फुल ऑफ एनर्जी। मोमिना मुस्तहसन स्वीट क्रिस्टलाइन टोन पार्टनर विद द इनक्रेडिबल कोरस ऑफ द यंग गर्ल्स क्रिएट्स एन इंपैक्टेबल पीस ऑफ म्यूजिक। आई मस्ट से इरताश ने इस गाने को ऑल टुगेदर एक डिफरेंट तरीके से गाया, और जिस तरह सलमान अहमद ने बिहाइंड द सीन में डिस्कस किया कि हमने इसको रॉक जो टच था इसमें उसको हमने निकाला है थोड़ा सा, और इसमें हमने सिनेमैटिक फील लाई है। और स्पेशली सॉन्ग की एंडिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसमें सारी गर्ल्स वो राग मिलके लगाती हैं सारे गामा पा सारे गामा पा सारे गामा पा। और टोटली ये तकरीबन 7 लड़कियां थी इस गाने में, मोमिना मुस्तहसन और 4 इरताश बैंड की और 2 बैक वोकलिस्ट्स। कंपोजिशन वाइज परफेक्ट हाउस बैंड, नो क्वेश्चन एट ऑल। सिंगिंग मार्वलस। ओवरऑल इस सॉन्ग को हम 9.5 मार्क्स देंगे 10 में से। इसमें मैंने एक बात नोट की कि जिस तरह बड़ी खूबसूरती से इरताश बैंड ने जो हाई नोट्स है ना, जो ओरिजिनल गाने में घूमताना के, बड़ी खूबसूरती से लोअर नोट्स पे कन्वर्ट कर दिया। जैसे जागे जागेंगे जरूर, यानी कि लोअर पिच में गाया उन्होंने। आए कुछ बहुत ही मजे के कमेंट्स पढ़ते हैं इस गाने पे। निर्विक कहते हैं कि ओ मोमिना व्हाई सो स्वीट, आई लिटरली एंड अप क्राइंग आफ्टर आई हियर यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। अबे भाई रोना क्यों आ गया। अंजुम राठौर कहते हैं कि लव फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर, लास्ट 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस एपिसोड आर ऑसम, मोमिना एंड आई मा रॉक द एपिसोड, नो डाउट अबाउट इट। फीमेल सिंगर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तानी म्यूजिक इज ऑलवेज इक्वल टू द मेल सिंगर्स सच एज नुसरत अली खान एंड नूर जहां, मेहदी हसन एंड इकबाल बानो एंड सो ऑन, बट फीमेल सिंगर्स वर नेवर एम्पावर्ड बिफोर एज नाउडेज। Nice rhythm, glad to see, hope to see these 4 in next season again. Her sweetness, cuteness and simplicity reflects in her vocals. A very beautiful woman indeed with a fantastic voice. Umair Sharif kehte hain ki now that's a Coke studio level performance. Rohit kehte hain ki what a range Momina has displayed along with the girl gang. Irtash, fabulous message with a fabulous song. Salman Ahmed take a bloody bow. This was the best performance of the season. This goes the Coke studio I love. Yaar se Javed kehte hain ki Momina Mustahsan you are Pakistani rock star. Zumar Yusuf कहते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लाइक इरताश मोर देन मोमिना। मी टू बाय द वे। तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे, जागेंगे जरूर ये भाग तेरे, ये जोश तेरा कोई जाने ना, जुनून तेरा। बस करो बेटा, आज के लिए इतनी चीखें बहुत हैं। अब बात करेंगे हम एक और बहुत ही जबरदस्त गाने की, काटे ना कटेरे। आपको याद होगा बचपन में काटे ना कटेरे पीटीवी पे बहुत लगा करता था, अगर आप लोग पीटीवी देखते थे, अगर आपके घर वो डिश नहीं होती थी। रूना लैला ने ओरिजिनली ये गाया हुआ है जो इस वक्त बांग्लादेश में होती है। एक बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग है जिसको बहुत से लोगों ने कवर किया हुआ है। तो इस दफा इसको जो रिक्रिएट किया है कोक स्टूडियो में वो अली हमजा ने किया। मुझे नहीं समझ आ रही कि आजकल नूरी अलहदा क्यों हुआ है। अली नूर अलहदा अपना काम कर रहा है, अली हमजा अलहदा अपना काम कर रहे हैं। अब भाई हो गए तो स्प्लिट ना हो। तो बात करते हैं कोक स्टूडियो के काटे ना कटेरे पे। When rock meets semi classical music, I'm a Bake के बहुत ही rocking vocal से ही गाना शुरू होता है, और फिर रेचल विकाजी के sexy vocals इनको join करते हैं, और एकदम उमैरा अरशद अपनी बहुत ही melodious voice में काटे ना कटेरे वाला part शुरू करती हैं, classical part शुरू करती हैं। Throughout गाने में रेचल और आयमा विकाजी की, oh sorry
रेचल और आई एम रेचल विकाजी और आई एम अ बेक के वोकल्स बहुत पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, यानी कि बहुत ही सिमिलर वॉइसेस हैं दोनों की, पावरफुल वोकल्स। और जो क्लासिकल ट्रांजिशंस आ रही थी वो उमेरा अर्शद उसको बहुत जबरदस्त अंदाज में कैटर कर रही थी। तो इस गाने का बेस्ट पार्ट तब आता है जब अली हमजा साहब आते हैं, अपनी एंट्रेंस ऐसी हीरो वाली मारते हैं, शाहरुख खान वाली मारते हैं प्रॉपर, और ऐसा सीन हमने कभी कोक स्टूडियो में नहीं देखा। और अली हमजा उस गाने की एंडिंग बहुत ही स्मूथ तरीके से उसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। जब अली हमजा के गाने पे वो जिस तरह पार्ट गाती है ना रेचल विकाजी और आयमा, तो यू नो थोड़ा सा मुझे बहरहाल अ ट्रीट टू लिसन। व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ मैशअप यार। कोक स्टूडियो का इस बार आई मस्ट से एक अलग ही लेवल जा रहा है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना यार नेक्स्ट लेवल। जिन लोगों को मजा नहीं आ रहा, मेरी उनके लिए एक सजेशन है कि आप अपने कानों का इलाज करवाएं। सर जैसा कि सबको पता है कि कोक स्टूडियो में सॉन्ग रिक्रिएट होते हैं, तो जाहिर बात है जो ओरिजिनल जिसने भी गाया होता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर रहा होता, बल्कि उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं एक नए अंदाज में गा के। बहुत कम गाने होते हैं कोक स्टूडियो के जिनको पहली बार ही सुनने में आपको मजा आता है, और ये दोनों गाने ऐसे थे कि मैं पहली बार में लिटरली झूम रहा था इन दोनों को सुनकर। और इस बार जो मुझे बेस्ट चीज लगी है कोक स्टूडियो की, कोक स्टूडियो जो पाकिस्तान की उन फीमेल आर्टिस्ट को बहुत मौका दे रहा है, बहुत आगे ला रहा है, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म होने की वजह से उनकी जो पूरा पोटेंशियल था वो हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा था, जैसे आयमा बेग, हुमैरा अरशद और जिस तरह इरताश बैंड की जो गर्ल्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान में मजीद गर्ल्स बैंड सामने आए और हमें और इनक्रेडिबल टैलेंट को सुनने का मौका मिले। टैलेंट तो यहाँ तकरीबन हर घर में मौजूद है, और पता नहीं कितने लड़के और लड़कियां पाबंदियों की वजह से, प्लेटफॉर्म के ना होने की वजह से अपना टैलेंट कभी शोकेस कर ही नहीं पाते दुनिया के सामने। तो अच्छी बात है इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कोक स्टूडियो और पेप्सी, ये यंग टैलेंट को मौका देते हैं आगे आने का। दूसरी तरफ कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है इन ब्रांड्स पे कि ये ओरिजिनल म्यूजिक के लिए एक बहुत बड़ी तबाही साबित हो रहे हैं इस तरह के जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि नया टैलेंट सामने आता है, उसको रिकॉग्निशन मिलती है और ऑब्वियसली हमें अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं इस गाने के बारे में बहुत मजे के। इंडियंस ने बहुत ज्यादा प्रेज किया हुआ था इस गाने को। अन्वेशा कहती है कि आई रियली लाइक द पार्ट वेयर हुमैरा अरशद स्टार्ट सिंगिंग काटे ना कटेरे, हर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल सोलफुल। फातिमा मिर्जा कहती है कि कोक स्टूडियो प्लीज रेचल को पूरा एक सॉन्ग सोलो दे दो। स्प्लैश इन अ डे कहते हैं कि जस्ट लविंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अली हमजा, ऑल थ्री सॉन्ग्स टिल न्यू आर अमेजिंग, आई एम अ बिग जस्ट वाओ। पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग्स ऑफिशियल कहते हैं कि वाह दैट्स कॉल्ड बैंग बैंग, लव टू वॉच मेरा अरशद। भारत सांगुरी कहते हैं कि द पार्ट बेदर्दी तेरे प्यार में गिव सो मच ऑफ लव टू द इयर्स कंपेलिंग टू लिसन इट अगेन एंड अगेन, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग सच वंडरफुल एंड डिफरेंट कंपोजिशन ऑन कोक स्टूडियो। अरबाज कहते हैं कि सच अ पावर पैक परफॉर्मेंस, लॉट्स ऑफ लव टू पाकिस्तान एंड कोक स्टूडियो फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर, वी सिंपली लव यू गाइस, वी लव यू टू। सिद्धार्थ भगत कहते हैं कि रेचल विकाज इज द मोस्ट अंडररेटेड पर्सन ऑन कोक स्टूडियो, आई मीन शी इज माइल्स बेटर देन मोमिना, मोमिना इज गुड बट नोवेयर इवन नियर द लेवल ऑफ रेचल विकाज़'स वॉइस। लाइबा कहती है कि द लाइन व्हेन शी सेज काटे ना कटे मेक्स मी ब्लश लाइक अ टोमेटो। और अफोर्डेबल वन कहते हैं कि ब्यूटीफुल पीपल ब्यूटीफुल वॉइसेस, इरम लव फ्रॉम ईरान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, आप दोनों को इनमें से कौन सा गाना ज्यादा अच्छा लगा। वाइट साइड इसी तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट सीन को सपोर्ट करता रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग द वाइट साइड।